किडनैपर भाई मेरी बीबी को छोड़ दो। अगर अपनी बीबी को जिंदा देखना चाहता है तो 10 लाख रुपए लेकर आ जा। इतने महंगी बेचोगा तो पहले किसी अमीर को दिखा लियो। अरे अमीर को दिखा लियो, बहुत तेरी है पैसे, तू देगा? अब मेरे पास तो 7,000 रुपए, इतने रुपए में कितने दिन के लिए दे दोगे? दल्ले किराए पर उठा रहा हूँ मैं। हाँ वैसे खूब चलेगी। अरे मुझे लगता है तू अपनी बीबी से प्यार ही नहीं करता। प्यार नहीं करता तो बच्चे मुंह से उगली। अच्छा अगर तू प्यार करता है तो 1 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है, और जब बेचारी सुबह से तेरा नाम ले लेकर रो रही है, भाड़ू गूंगी है वो। तभी मैं कहूँ मेरे साथ जी चुपचाप चली क्यों आ रही है? देख भैया 15,000 रुपए दे दे, इसे उठान में 10,000 रुपए का खर्चा आइया। जब इतना खर्चा आइया भैया तू ही रख। हेलो हाय हाय ओए होए बचो बची बचो। सबसे पहली चीज, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहा हो, तुम्हारा तमीज कहाँ है? तमीज पता नहीं सर जी, पर ये तो कह रहे थे खाली सीबी लाना। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है। फिर तो निकाल लिया इन्होंने। अरे मेरा भाई तुम इंटरव्यू में गाने गा रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। ले मैनर्स भी नहीं है, मेरी दोनों चीजें निकाल ले जाओ ले जाओ। मैं जिंदा तो बच जाऊंगा सर जी। सर क्या हुआ? अरे इसके अंदर 1% भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है यार। आए सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं 1 मिनट नहीं सोया हूँ, मेरी तीनों चीजें निकाल ली। खुद को संभालिए। अरे मैं क्या करूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है यार। दिमाग भी निकाल लिया, मुझे कतई खाली कर दिया। अरे हो जाए तुम्हारा इंटरव्यू, चलो आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके घर पर लड़का हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लड़की चाहिए। तो लौंडा मैं वापस अंदर डाल दे रहा हूँ। आए कर रहा यार, वॉशिंग मशीन में बच्चे बना रहे हो, जो मैं हाथ डाल के तुझे दूसरा दे दूंगा। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरे औरतों के पेट में पहुंच गया, बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने, और तू आया कहीं हॉस्पिटल की छत पे फेंक और देख ली। क्यों, क्या पता उड़न लगा हो? अजी वैसे डॉक्टर साहब वजन तोला कई किलो का है। क्यों बेचेगा? मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। और एक बुरी खबर है। क्यों क्या हुआ? अब तुम्हारी बीवी हमारे बीच में नहीं रही। मुझे तो पहले पता था जैसी बच्चा होगा जब घूमन निकल जाएगी, इसकी डॉक्टर साहब टांग नहीं रुकती। अरे भड़वे वो इस दुनिया में ही नहीं रही। ले अब्बा मैं कह रहा था इसका पासपोर्ट मत बनवाओ, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा। डॉक्टर साहब इस बच्चे का क्या करना है? इसका क्या, इसे बदल का आम ले लो। हेलो हेलो दीपांशु भाई, तुम्हारी आंखें फट जाएंगी जब अगले महीने मेरा चेक आएगा। तेरा चेक आएगा क्या भाई, बहू बेच दी तूने अपनी? अजय नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली तुम्हारे भाई ने, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ। अजय वाह, तेरे पिछवाड़े पर चिमक लगी क्या? मेरा मतलब है तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। तेरी कंपनी घर की फ्रंट दीवार तो तुमने रोडों की ईंटें उखेड़ के बनाई है। आए अब देखना, तुम रुक जाओ थोड़ा सा, महल ही बनवाऊंगा। मनकित सर ने कहा मेरे भी लेबल खुलेंगे। कहीं ये मनकित मेरा पड़ोसी तो नहीं है? हाँ भाई मारे गए बेटा, इसने मेरे 2743 किस्तों में दिए। तो उससे कितने रुपए लिए हैं इसने? 8,000 रुपए। पहले तो ये पता कि तेरे पास 8,000 आए कहाँ से? पैसा बहुत है दीपांशु भाई। हाँ पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न लेने के चक्कर में मुँह से हवा भर भर कर तुमने अपना अब्बा मान लिया। गुरुजी दोस्त के लिए एक गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे टेंशन मत लो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त देखने में कैसा? काले कलर का, भाड़ू कुरकुरे में से निकला, तेरी एकदम से काला कर देगा तो कौन लौंडिया पड़ जाएगी। और कलर से कुछ नहीं होता है, लड़की को प्यार से देखो ना। ये देखा तो प्यार से है। अच्छा पर सकल ये इसी लौंडिया को लगाए झपट्टा मार देगा। देखो मैं तुम्हारे दोस्त को तरीका तो बता सकता हूँ, पर प्यार के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मोहन जोदड़ो की लौंडिया जो जंग लड़नी पड़ती है, कोई पीजे वाली बताओ। बस आजकल की जनरेशन को तो आसानी से प्यार मिल जाए। अच्छा ये बताओ तुम्हारे दोस्त को लड़कियां मुस्कुरा कर देखती हैं? लड़कियां इसे तो आदमी देख ले गुरुजी तो चीखे निकल जा, तुम्हारी जान कसम बहुत डरावनी। अरे तो सेटिंग करवाएगा क्यों मारेगा, वैसे ही गला घोट दे किसी लौंडिया का। गुरुजी प्यार का प्यासा है ना बेटे, जैसे तू डरावना बता रहे, ये पक्का खून पीता होगा। गुरुजी देख ले हो जाए कुछ। वैसे मेरे पास एक लौंडिया तो है, इसे दे दो। रहने दे ये मार देगा। शर्म मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। लंबा हैरी मैडम, तो तुम यहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हो? और ना तो क्या, सुबह से बाहर भंडारे की लाइन में लगाऊं? फालतू बात मत करना मुझसे। अच्छा इससे पहले कितनी कंपनी में तुम इंटरव्यू दे चुके हो? इस बिल्डिंग में कितनी कंपनी है? 13। तो फिर ये आखिरी है? अच्छा तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ये टेबल बेच के दिखाओ? तुम कह ही नहीं सकते। क्यों, तुम्हारी है ही नहीं है। तो फिर ये पेन बेच के दिखा, ये मेरा। भैया ये भी नहीं बिकेगा। क्यों? अजय आधा तो तुमने पहले ही चलाया रखा। अरे तो फिर इसे एक अंधे को बेच के दिखा। हाँ अब अंधा इसे नई ABCD लिखेगा। तेरे मुंह पर मारा ना सारे। अजय यार उसके किस काम का? खामुखा बेटे इस तरीके से तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा।
मैं इतने बड़े से काम कर रही हूँ। क्यों नहीं, तू तो 7 महीने में अम्मा के पेट से भी खुद ही बाहर आई था। चल निकल, बात तेरी पर्सनैलिटी नहीं है यार जॉब करने वाली। फिर तो तुम्हारा इंटरव्यू किसी अंधे ने ही लिया होगा। लाइट भेज दे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। मर जाएंगे तेरे बच्चे, करंट से चल रहा है, ये बैटरी डाउन हो गई उनकी। अरे एक मिनट लाइट ना काट लो कि इनके सर पर से नहीं बैठ जाता। हेलो, सही बताइए रे, तू बिजली विभाग से बात कर रही है? सही बताइयो को, अब तू क्या चाह रहा है, तेरे फोन पर झटका मार दूं मैं? आज दुनिया में 70% पानी, तुझसे तब भी बिजली नहीं बन रही? अरे सारे पानी की बिजली बना दूंगा भाड़ू, तू तेजाब पिएगा फिर। अरे 47 डिग्री गर्मी पड़ रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे। कितने छोटे, मुर्गी से बदले तूने अपने बच्चे? तेरा दिमाग खराब है, ये गर्मी में मर जाएंगे। तो जाड़ों में और बनाई ली दले, तेरे घर बर्फ से बच्चे बनना है। मेरी बड़े अधिकारी से बात करा। बड़े अधिकारी से तुम्हारी बात नहीं हो सकती, वो बिजली बना रहे हैं। ले रात में बना रहे हैं तभी तो सही नहीं बन रही है। अगर लोन का पैसा लेने के लिए फोन लगाया है तो हम बहुत जलील करेंगे, फोन काट दो। अरे तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपया लिया तो हम तुमको फोन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो हम तुमको पैसा देंगे नहीं, तुम बेवजह जोर लगा के अपनी टट्टी और निकाल लोगे। अरे जब तुमने लोन लिया है तो वापस क्यों नहीं दोगे? अरे 6 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, पहली बात तो हमारे पास है नहीं, और अगर होती हम तुमको तब ना दे। अरे तो इसका मतलब यह है कि जो हमने तुमको 6 लाख रुपया दिया वो हराम का था? अरे नहीं, हमने तुम्हारा पैसा हराम खा लिया। अरे कैसा आदमी है, मतलब कोई तो प्लान होगा, सेटलमेंट करोगे तुम? कितना पैसा दे सकते हो ये बताओ। अरे सेटलमेंट मजबूर आदमी करता है, हमने जिद रखी हुई है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देना है, मतलब तुम सबके साथ ये इसी करते हो का? अरे नहीं, हमने एक बार अपने दोस्त से 50,000 रुपया उधार लिया था, फिर उसने हमसे एक दिन मांगा तो तुमने दे दिया उसको 50,000 रुपया? नहीं यार, हमने 7,000 रुपए दे के डॉक्टर को उसकी याददाश्त ही मिटवा दी। रिचार्ज का पैसे क्यों बढ़ाए ये कस्टमरों ने, मेरे दिमाग में चरत बो दी। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। ये कंपनी नहीं है, ये कोठा है, कोठा। देखिए सर, आप शब्दों का उपयोग मत करें। आप शब्दों कर रहा, तू मेरे सामने हो, मैं तेरे चूतड़ों पर मुच्छा मार लूं। सर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ ना। पहले ये बता दे कि तूने रिचार्ज पर पैसे क्यों बढ़ाए। सर 100 रुपए तो बढ़े, और आज के टाइम में 100 रुपए कोई ज्यादा तो होते नहीं है। ज्यादा आज के टाइम में तेरे जैसा लौंडा 100 रुपए में आ जाएगा। 100 रुपए में मैं छुअन भी नहीं दूंगा, 14,000 रुपए लेता हूँ। अच्छा पूरी रात के? सैलरी 14,000 रुपए लेता हूँ भाई। तू मेरे सिम कर दे। देखिए सर, मेरा काम सिम बंद करना नहीं है। अरे और तू कंपनी में बच्चों कर लिया? अरे मेरा काम आप जैसे लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो फोन पे सेटिस्फाई थोड़ी हो जाऊंगा, कमरा नंबर ले।